और अब बात सत्ता के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर शहर की। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल हर चुनाव में बीजेपी के लिए दमदारी से खिला लड़ाने वाले कद्दावर विधायक रमेश मेंदोला की नाराजगी इस बार चुनाव में पार्टी को भारी पड़ सकती है। वजह है मेंदोला की अनदेखी। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं वक्त के साथ सियासत बदलती है और इसी बदलती सियासत के साथ चेहरे भी बदल जाते हैं। ये बात इन दिनों बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में भी देखने को मिल रही है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के बाहुबली नेता कहे जाने वाले रमेश मेंदोला यानी दादा की नाराजगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सावेर में हुए उपचुनाव में पार्टी ने मेंदोला को प्रभारी बनाया था और इस जिम्मेदारी पर वे खरे भी उतरे और सावेर में बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट को ऐतिहासिक वोटों से जीत मिली। कयास लगाए जा रहे थे कि रमेश मेंदोला को इस बार इनाम जरूर मिलेगा और शिवराज कैबिनेट में उन्हें जगह भी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदौर में महापौर का पद सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित हुआ तो कयास लगाए गए कि पार्टी इस बार रमेश मेंदोला को महापौर का टिकट दे सकती है, लेकिन संगठन ने उन्हें निकाय चुनाव संचालन समिति का सह संयोजक बना दिया। पार्टी सूत्रों की माने तो संगठन के इस फैसले के बाद रमेश मेंदोला ने पार्टी के आयोजनों से दूरी बना ली है। भोपाल में निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में भी रमेश मेंदोला नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इंदौर पहुंचे तो उनकी अगवानी करने के लिए भी रमेश मेंदोला नजर नहीं आए। जहाँ तक इन दिनों रमेश जी की आपने जो बात की है, तो आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण लंबे समय तक उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया है। इस कारण से कुछ काम कार्यक्रमों में उनका आना नहीं हुआ, लेकिन अभी भी निरंतर पार्टी के जो प्रमुख काम कार्यक्रम उसमें आना और उनकी सहभागिता बराबर करनी हुई है। मेरी तो उनसे नियमित चर्चा होती है, नाराज़ नहीं है और जो भी पार्टी ने काम दिया है अब तक पूरी निष्ठा के साथ किया है और आगे भी करते रहेंगे। इधर कांग्रेस को इस मामले में बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि रमेश मेंदोला ही नहीं, पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई नेताओं को बीजेपी से दरकिनार कर दिया गया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में एक दादा दयालु परेशान नहीं है, सैकड़ों की संख्या में दादा दयालु जैसे कार्यकर्ता परेशान है, जिन्होंने दरी बिछा बिछा के इस पार्टी को यहाँ तक लाने का सींचने का काम किया, जिन्होंने सींचा, जिन्होंने मेहनत की, जिनके विरोध में खड़े रहे, आज वो उनके आका बन के खड़े हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले विधायक हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव में भी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में मेंदोला की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि निगम चुनाव से पहले दादा दयालु की नाराजगी कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।